The topic for today is international storytelling structures that you should know. Now, these are international storytelling structures. ये structures ऐसे हैं कि इस फिल्म को जो फॉर्मेट में आप देखते हैं, मतलब पहला स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, जो नॉर्मली फिल्म में और हर फिल्म में होता है, कोई भी फिल्म का स्ट्रक्चर हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमेशा आप देखेंगे, वो स्ट्रक्चर है द थ्री एक्ट स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप लगान को देखेंगे तो पहले 10 मिनट में आपको पता चलता है कि स्टोरी किस विषय के बारे में है। डू यू अग्री विथ मी और डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? फिर क्या होता है, हाई पॉइंट होता है और टेम्पटेशन होता है। हीरो को लगता है मैं कुछ इम्पॉसिबल करूंगा और वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, हीरो के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मैं ये टास्क पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर सेकेंड एक्ट होता है जो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। तो वहां पे आप देखते हैं, सेकेंड एक्ट में हम लोग देखते हैं कि सब प्लॉट इंट्रोड्यूस होता है, मतलब हीरो साइड हीरो का कोई स्टोरी साथ चालू होता है, या जो हीरो है वो कुछ रोमांस के मामले में एडवांस बढ़ जाता है, या यू नो द हीरो एंड द हीरोइन कम क्लोजर टू ईच अदर। और फिर लास्ट में मैक्सिमम सीन्स द स्टेक्स आर रेज्ड हायर, मतलब अगर हीरो जीतता नहीं है तो उसका रेपुटेशन जाएगा, या तो उसकी जान जाएगी या बहुत बड़ा उसको नुकसान होगा। सो द स्टेक्स, सर्कुलर स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो होता है पहले वही लास्ट में भी होता है। ये बहुत बार देखा होगा आपने, जो पहले होता है वही लास्ट में होता है वापस। जैसे बैक टू द फ्यूचर, 12 मंकीज, चांदनी बार देखा किसी ने? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि फॉर एक्टर स्पेशली, हम सब में एक फियर है, तो आपको बस अपने फियर को एक्चुअली स्पेल आउट नहीं करना है। नेक्स्ट मीटिंग में अगर आप एक्ट आउट करेंगे तो दूसरा बोलेगा आपको कि आप में क्या फियर है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप कि जहाँ पे आप एक एक्सप्रेस करेंगे कुछ वर्ड्स के थ्रू या इमोशंस के थ्रू या डायलॉग के थ्रू, और सामने वाला बोलेगा कि आप में क्या फियर है। ये बहुत अच्छा चैलेंज है, तो ये चैलेंज ले लो और अपने क्राफ्ट को एनहांस करो।